अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कास अकरम और आज हम एक वोकैबुलरी की वीडियो देखेंगे जो कि है किचन में इस्तेमाल होने वाली अशिया के ऊपर। आज की वीडियो में हम देखेंगे तकरीबन 60 जो है ना अल्फाज या चीजें जो कि हमें किचन में मिल सकती हैं, और उसके बाद 10 से 12 ऐसे काम, ऐसे फेल जो कि हम किचन में करते हैं। मिसाल के तौर पर गूंदने को क्या कहते हैं, पकाने को क्या कहते हैं, या उसको रोस्ट करने को क्या कहते हैं। इस तरह की 10 से 12 फेल जो हैं, बिरबोस हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में, वो मतलब उस हिस्से में आपको बताऊंगा। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का इस चीज से जो कि है लाबातीदोरा। लाबातीदोरा कहते हैं ये, जो वो एक स्पेनिश में मुहावरा है जिसमें कहते हैं कि una foto vale más que mil palabras। तो इसका मतलब यह है कि एक इमेजिन या एक फोटो, एक पिक्चर जो है ना 1000 अल्फाज से ज्यादा होती है। तो क्योंकि ये जो उर्दू आपको नजर आएगी आज की वीडियो में, ये मतलब मेरी प्रॉपर उर्दू नहीं होगी, ये मुझे एक दोस्त की मदद से जो है ना मैं ये इसको फिल किया है। लेकिन क्योंकि हर लफ्ज के साथ आपको उसकी पिक्चर भी नजर आएगी, तो इसलिए समझना आसान हो जाएगा। तो लाबातीदोरा किसको कहते हैं, ये जो ग्राइंडर होती है, जो ब्लेंडर कह लें, मिक्सचर होती है, पीसने वाली जो मशीन होती है, इसको कहते हैं लाबातीदोरा। उसके बाद है लाबातीदोरा दे बासो, वो कौन सी होती है, बातीदोरा जो पिछली लफ्ज में हमने देखा। तो इसमें दे बासो का क्या मतलब होगा, ये जो इसके ऊपर ये जो जग टाइप होता है, इसकी वजह से इसको कहते हैं लाबातीदोरा दे बासो। अगला लफ्ज हमारे पास एल बातीदोर, एल बातीदोर कहते हैं ये जो बीटर हमें नजर आ रहा है, इसको मिक्स करने वाला आला। यहाँ पे एक मरतबा फिर पिक्चर को देख ही हमें पता चल जाता है कि हम किस जो है ना आले की बात कर रहे हैं, मिक्स करने वाला आला, एल बातीदोर, एल बातीदोर। एल फ्रिगोरिफिको या ला नेवेरा, ये दोनों ये जो फ्रिज होता है इससे मुखातब होने के लिए यूज होते हैं, एल फ्रिगोरिफिको भी और ला नेवेरा भी। कुछ जगहों पे फ्रिगोरिफिको कहा जाता है स्पेन में ही, और कुछ जगहों पे लानेवेरा कहा जाता है। ओर्नो ओवन को कहते हैं, मिक्रोन्दास मिक्रोन्दास माइक्रोवेव, एल डेलांटाल ये जो आपको स्क्रीन फोटो पे नजर आ रहा है, ये जो कपड़ों के ऊपर पहना होता है, खास किचन में जो कुशिनर वगैरह काम करते वक्त पहनते हैं, उसको कहते हैं एल डेलांटाल। कासो, कासो कहते हैं साउस पैन को, ये हमें आमतौर पे कह लें कि चाय बनाने वाला, जिसके लिए जिसको हम चाय बनाने के लिए यूज करते हैं, उसको कहते हैं कासो। एल कोलादोर दे ते, एल कोलादोर दे ते कहते हैं ये जो छलनी है इसको, टी स्ट्रेनर। और कोलादोर ही हम कहते हैं ये जो बजाय टी स्ट्रेनर के जो नॉर्मल होता है, जिसमें हम कोई भी चीज जो है ना वो उससे लिक्विड निकालना होता है, तो उसको कहते हैं एल कोलादोर, एल कोलादोर। ओया आप्रेशन, ओया आप्रेशन कहते हैं प्रेशर कुकर को, ओया आप्रेशन। सार्तेन, सार्तेन कहते हैं फ्राई पैन को, सार्तेन। एल तापेर, ये जो लंच बॉक्स होता है, खाने का डिब्बा होता है, इसको कहते हैं एल तापेर। एल बोल, ये जो प्याला होता है इसको कहते हैं एल बोल। ला कुचारा, खाने का चम्मच, ला कुचारा। एल तेनेदोर, कांटा, एल तेनेदोर। कुचियो, छुरी, कुचियो। लॉस कुबियर्तोस, कुचियो, कुचारा, तेनेदोर, इसका शायद बहुत आम है, बहुत ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि जब बंदा आता है सबसे पहले जो पहले अल्फाज होते हैं उनमें से एक होता है। लेकिन लॉस कुबियर्तोस, जब हम किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं या कोई हमारे रेस्टोरेंट पे आता है, तो ये जो एक सेट होता है छुरी कांटे का, ये जो सेट आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, इसको कहते हैं लॉस कुबियर्तोस, लॉस कुबियर्तोस। एल कुचारोन, एल कुचारोन ये शोरबा डालने वाला जो चमचा होता है, इसको कहते हैं एल कुचारोन।
El plato, plate को कहते हैं, नॉर्मल इसका जो नंबर जेनेरिको है el plato, और जो प्लेट होती है इस तरह से सीधी प्लेट जो होती है उसको कहते हैं प्लेटो यानो स्ट्रेट और फ्लैट प्लेट, और प्लेटो होंदो होती है जो गहराई वाली प्लेट होती है, मतलब जिसको हम पंजाबी में कहते हैं डूंगी प्लेट, वो है एल प्लेटो होंदो गहराई वाली प्लेट। एल रायदोर कद्दूकस करने वाला, ये जो आला इस्तेमाल होता है ये जो हमें नजर आ रहा है इसको कहते हैं एल रायदोर। ला तेतेरा केतली ला तेतेरा, ला ताजा सेता ला ताजा कहते हैं चाय के लिए जो प्याली होती है कप होता है उसको कहते हैं ला ताजा। ला जर्रा कहते हैं जग को। एल वासो ग्लास, ला ताजा मेडिडोरा, ला ताजा हमने प्याली पहले देखा है अभी थोड़ी देर पहले, और इसमें क्या एक्स्ट्रा है मेडिडोरा, तो इसका क्या हुआ मिकदार की जांच के लिए जो कप इस्तेमाल होता है जिसमें ये मतलब बाकायदा पेमाइश होती है उसको कहते हैं ला ताजा मेडिडोरा। एल पेलादोर छिलका उतारने वाला जो आला होता है ये जो हमें नजर आ रहा है इसको कहते हैं एल पेलादोर। ला ताबला दे कोर्तार सब्जी काटने वाली जो तख्ती होती है उसको कहते हैं ला ताबला दे कोर्तार। लास तिजेरास कैंची, लास तिजेरास। ला स्पातुला ये जो हमें नजर आ रहा है स्क्रीन पे इसको कहते हैं ला स्पातुला। लोस पाños दे कोसीना, लोस पाños दे कोसीना जो किचन के तौलिये होते हैं इनको कहते हैं लॉस पाños दे कोसीना। एल मोर्टेरो ये जो कुंडी और डंडा होता है इसको कहते हैं एल मोर्टेरो। ला एस्पोंजा स्पंज, ला एस्पोंजा। एल रोडिलो बेलन, एल रोडिलो। La báscula de cocina, la báscula, trazu, no, हम trazu कहते हैं de cocina, किचन वाला, किचन के लिए जो trazu इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं la báscula de cocina। El cortador de huevos, el cortador de huevos, अंडे काटने वाला, el cortador de huevos। El lavavajillas, el lavavajillas, बर्तन धोने वाली मशीन जिसको कहते हैं एल लावावाजिलास। ला एंसीमेरा ये जो किचन में हिस्सा होता है इसको कहते हैं ला एंसीमेरा, ला एंसीमेरा काउंटर टॉप। टोस्टर इसको कहते हैं ला टोस्टादोरा, ला टोस्टादोरा। ला सर्वियेता कहते हैं टिश्यू पेपर को, ला सर्वियेता। एल कॉन्जेलादोर फ्रीजर को कहते हैं जो बर्फ वाला हिस्सा होता है उसको एल कॉन्जेलादोर, कॉन्जेलार होता है किसी चीज का बर्फ बन जाना, कॉन्जेलादोर जो बनाता है जो हिस्सा बनाता है फ्रिज का उसको कहते हैं एल कॉन्जेलादोर फ्रीजर। ला काफेटेरा कॉफी बनाने वाली मशीन, ला काफेटेरा। एल एस्कूरे प्लातोस, एल एस्कूरे प्लातोस बर्तन रखने वाली जो टोकरी होती है उसको कहते हैं एल एस्कूरे प्लातोस। एल फ्रेगादेरो कहते हैं सिंक को, एल फ्रेगादेरो। ला बंदेजा ट्रे को कहते हैं, ला बंदेजा। ला विट्रोसेरामिका ये जो बिजली वाला चूल्हा होता है शीशे की प्लेट वाला इसको कहते हैं ला विट्रोसेरामिका। ला कोसीना दे गास ये जो गैस वाला चूल्हा होता है इसको कहते हैं ला कोसीना दे गास। एल पापेल दे कोसीना ये जो टिश्यू पेपर होता है किचन के लिए आमतौर पे इस्तेमाल होता है ये इसी तरह का जो रूला होता है उसको कहते हैं किचन के लिए इस्तेमाल होने वाला टिश्यू इसको कहते हैं एल पापेल दे कोसीना। ला एस्पुमादेरा
ये जो हल्ला होता है जिससे हम आमतौर पे फ्राई चीजें करते हैं या तेल से निकालते हैं, उसको कहते हैं ला एस्पुमादेरा, एल एक्सप्रीमिडोर, एल एक्सप्रीमिडोर। जो जूस निकालने वाली मशीन होती है माल्टे का आमतौर पे, या नींबू का जो जूस निकालती है, इसको कहते हैं ला एक्सप्रीमिडोरा। काजा दे सेरिल्लास, काजा दे सेरिल्लास, माचिस की डिब्बी। होर्नो दे अर्सिया, होर्नो दे अर्सिया, तंदूर। एल आबरे बोतेल्लास, बोतल खोलने वाली ये चाबी होती है, इसको कहते हैं एल आबरे बोतेल्लास, एल आबरे बोतेल्लास। एल साका कोर्चोस, कोर्चो होता है ये जो आमतौर पे बोटल्स में ये जो होता है, इसको मतलब हीरार करके इसको निकाला जाता है इस आले के साथ, इसलिए इसको कहते हैं, ये चीज होती है इसको कहते हैं कोर्चोस। और क्योंकि ये आला इसको निकालता है, इसलिए इसका क्या नाम है, एल सकाकोर्चोस, एल सकाकोर्चोस। पिंसा दे कोसीना, ये जो आमतौर पे चिमटा इस्तेमाल होता है, इसको कहते हैं पिंसा दे कोसीना। और अब हम चलते हैं उन फेल की जानिब जो कि किचन में किए जाते हैं, किचन के काम के लिहाज से फेल। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास एरबीर, एरबीर कहते हैं उबालने को, एरबीर। मेस्कलार, मेस्कलार कहते हैं किसी भी चीज को मिलाना, यकजा करना या मिक्स करना, उसको कहते हैं मेस्कलार। रेमोवेर, रेमोवेर कहते हैं किसी भी चीज को हिलाने को थोड़ा थोड़ा, या चमचा फेरने को, मतलब उसको रेमोवेर करना होता है, इसको हिलाना। अमासार, अमासार होता है गूंदना, अमासार गूंदना। आसार, आसार कहते हैं रोस्ट करने को, आसार रोस्ट करना, भूनना। देर्रेतीर, देर्रेतीर होता है पिघलाना, देर्रेतीर। रेबानार, रेबानार कहते हैं टुकड़े करने को किसी भी चीज, खास तौर पे ये इस्तेमाल होता है पान के या ब्रेड के, जब हम टुकड़े करते हैं तो उसको कहते हैं रेबानार। रायार, या रैयार करते हैं कद्दूकस करने को, रैयार। प्रोवार, चखना, चेक करना, प्रोवार। एचार, कोई भी चीज किसी चीज में डालने को कहते हैं एचार। उन्तार, उन्तार कहते हैं फैलाने को। कोसिनार, कोसिनार कहते हैं कुकिंग करने को, खाना बनाने को, पकाने को, ये एक आमतौर पे जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है कोसीना। तो इसके साथ होता है इख्तिताम हमारी आज की क्लास का। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।